नमस्ते, मैं हूं पायल रोहतगी और आज मैं आपके सामने 11 भविष्यवाणी पढ़ने वाली हूं जो शायद सच होती नजर आ रही है। द पहली भविष्यवाणी, एक दिन आएगा जब वोट के लिए कांग्रेसी नेता कोर्ट पर जनेऊ पहनेंगे, वीर सावरकर 1959। सेकेंड भविष्यवाणी, एक दिन पूरे देश में भाजपा का राज होगा, सेड बाय अटल बिहारी वाजपेयी इन 1999 संसद में। थर्ड भविष्यवाणी, मैं भारत को कांग्रेस मुक्त करके रहूंगा, दिस वॉज सेड बाय नन अदर देन नरेंद्र मोदी जी इन 2010। फोर्थ भविष्यवाणी, मैं आज कांग्रेस छोड़ रहा हूं पर मैं शपथ लेता हूं कि मैं इसी कांग्रेसी विचारधारा के विरुद्ध ऐसा संगठन खड़ा करूंगा जो इसका नामो निशान मिटाकर रख देगा, चाहे इसके लिए 100 साल क्यों ना लगे, 800 साल की गुलामी में 100 साल और सही, पर यही संगठन भारत को फिर अखंड भारत बनाकर रहेगा। दिस वॉज सेड बाय नन अदर देन केशव बलिराम हेडगेवार, संस्थापक एवं प्रथम सर संचालक इन 1922 नागपुर। सो दैट इज व्हाई कांग्रेस हेट्स आरएसएस, बिकॉज आरएसएस ने शपथ खाई है कि वो कांग्रेस को भारत से खत्म करेगा। द फिफ्थ भविष्यवाणी, भारत सरकार 500 और 1000 के नोट अचानक बंद करे, देश की आधी समस्या कुछ ही सालों में खत्म हो जाएगी। दिस वॉज सेड मेनी टाइम्स बाय बाबा रामदेव फ्रॉम 2006 टू 2013। अनदर भविष्यवाणी, जिस दिन मरा हुआ हिंदुत्व गर्व से कहेगा कि मैं हिंदू हूं, उस दिन अमेरिका भी भारत की परंपराओं के सामने नस्ते नतमस्तक होगा और कहेगा कि आप भारत फलाना फलाना देश को समझाओ। दिस वॉज सेड बाय स्वामी विवेकानंद इन 1893 इन शिकागो इन अमेरिका। एंड एट प्रेजेंट ऑब्वियसली यूएन हैज टोल्ड इंडिया दैट नॉर्थ कोरिया का इलाज इज पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ इंडिया, नॉट विद द हेल्प ऑफ अमेरिका। द नेक्स्ट भविष्यवाणी, आज गौ हत्या बंदी आंदोलन में संसद के सामने इंदिरा गांधी ने एक घंटे में 400 साधुओं को गोली चलाकर मार डाला। मैं कांग्रेस पार्टी को श्राप देता हूं कि एक दिन हिमालय में तपस्या कर रहा एक साधु आधुनिक वेशभूषा में इसी संसद पर कब्जा करेगा और कांग्रेसी विचारधारा को नष्ट कर देगा। यह एक ब्राह्मण का श्राप है और ब्राह्मण का श्राप कभी खाली नहीं जाता। दिस वॉज सेड बाय करपाली महाराज संसद के सामने रोते हुए जब साधुओं की लाश वो उठा रहे थे इन 1966। इफ दिस इज व्हाट इंदिरा गांधी हैज डन, देन आई थिंक शी डिजर्व्ड हर एंड। द नेक्स्ट भविष्यवाणी, कांग्रेस पार्टी वोट बैंक के लिए इतनी नीचे गिर जाएगी कि वो जेएनयू जैसे नेहरू के वामपंथी सेक्स केंद्र के नारों का समर्थन करेगी और गौहत्या का समर्थन खुलेआम करके स्वयं को नक्सली साबित करेगी। दिस वॉज सेड बाय द रॉकस्टार स्वामी सुब्रमण्यम इन आपकी अदालत इन 2009। द नेक्स्ट भविष्यवाणी, कांग्रेस को मैं खत्म करूंगा, मैं एक ऐसा आदमी संघ से निकालूंगा जो कांग्रेस का अंतिम संस्कार करेगा। एंड दिस आदमी इज नन अदर देन श्री नरेंद्र मोदी जी। दिस वॉज अगेन सेड बाय द रॉक स्टार स्वामी सुब्रमण्यम इन 1984 संसद में, जब उनका सिटीजन चार्टर प्रस्ताव नकारा गया था। द नेक्स्ट भविष्यवाणी, नरेंद्र मोदी जी भारत का भविष्य है। 2002 गुजरात दंगों का दोष उन पर मत डालो, वो निष्पाप है। अटल जी और आरएसएस को कहता हूं कि वो उन्हें कंटिन्यू करने दे, वरना भारत से हिंदुत्व खत्म हो जाएगा। दिस वॉज सेड बाय नन अदर देन बाला साहब ठाकरे ऑन 6 जून 2002। इसके बाद ऑब्वियसली 9 जून को अटल जी ने गोवा में नरेंद्र मोदी जी को कंटिन्यू किया, वरना आज देश को ऐसा प्राइम मिनिस्टर नहीं मिलता। These were the, I think, 10 or 11 bhavishyavani that are coming true.
एंड अभी भी वक्त है कि हम लोगों को थोड़ा अपना स्वार्थ छोड़कर वोट करना चाहिए, क्योंकि अगर हम एक सही प्रधानमंत्री को नहीं चुनेंगे तो हमारा देश भारत कई वर्ष पीछे चला जाएगा, जिसकी पूर्ति संभव नहीं है। आपस की छोटी छोटी बातों को साइड में रखकर राष्ट्र के लिए एक सही नेता चुनिए। वोट फॉर नरेंद्र मोदी। जय श्री राम।